गाइस, आई एम रितु एंड यू आर वॉचिंग रितुस हांडा। तो गाइस, आज मैं आपके लिए आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप जो मैंने खुद पे करियर कर रखा है और ये आपके इवनिंग लुक पे बहुत काम आने वाला है। अगर आप किसी किटी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी इवनिंग फंक्शन पे जा रहे हैं, किसी डिनर पे जा रहे हैं, तो गाइस आई एम श्योर ये लुक आपको बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो बहुत ही सिंपल वे से मैंने क्रिएट किया अपना मेकअप। अगर आप और भी सिंपल और अफोर्डेबल मेकअप्स देखना चाहते हैं तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आपको ऐसे मेकअप मिलेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे और बहुत सिंपल वे से आप उसको क्रिएट कर सकेंगे। तो गाइस, इस मेकअप के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा मेरा ट्यूटोरियल और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी लॉरियल की का मॉइस्चराइज़र। तो गाइस, ये लुक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल है। इसको विद इन मैंने 10 मिनट्स में क्रिएट किया है। तो उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी अपना फेसिस का प्राइमर। प्राइमर को मैं सिर्फ अपने टी जोन एरिया में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल लुक होने वाली है और बहुत सिंपल वे से मैंने इसको क्रिएट किया है। आपको जब कहीं जाने की बहुत जल्दी हो तो ये मेकअप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपनी फाउंडेशन, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपनी फिटमी की फाउंडेशन, मेबलिन फिटमी फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है वॉर्म न्यूड। और अब मैं अपने फाउंडेशन से अपने फेस पे कर रही हूँ डॉटिंग, और सबसे बढ़िया मेथड है फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करने का। इस तरह इक्वल फाउंडेशन आपके फेस पर आती है और इक्वली ही आपके फेस पे ब्लेंड होती है। तो गाइस, सबसे बढ़िया मेथड है डॉटिंग करके अपनी फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप है, इसको अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी हमेशा आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगाते ब्लेंड करते टाइम अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा आप उसमें को गीला कर दीजिए, इससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड होगी और एकदम इवन टोन में आ जाएगी। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मेरे फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड हो गई है। और उसके बाद मैं अपने केक पाउडर से उसको अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक स्टेप भूल गई थी, कंसीलर। और कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं सिवाना कलर्स का। तो गाइस, इसकी जो भी शेड नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सिवाना कलर्स का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपना थोड़ा फेस पे ब्राइटन इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ आपके फेस पे जहाँ जहाँ हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स है, आप वहाँ भी अपने कंसीलर का यूज़ कर सकते हो उनको हाइड करने के लिए। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप, मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अच्छे कंसीलर को अपने फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे अच्छी तरह से कंसीलर सेट हो जाए। तो गाइस, कंसीलर का यूज़ आप अपने फेस पे ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने डार्क सर्कल्स या अपने ब्लैक स्पॉट्स हाइड करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेरा कंसीलर मेरे फेस पे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, आप देख सकते हो कि एकदम से ये सेट हो गया। अब इसको मैं सेट करने के लिए अपने कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस, अच्छी तरह से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि इस पर कोई भी क्रीज लाइन्स ना आए और मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो गाइस, उसके बाद सेट करने के बाद अच्छी तरह से अपने फेस को, अब टर्न है मेरे आई मेकअप की। और आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी, और आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी आई पैलेट में से ही अपना आईब्रो कलर। मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्विस ब्यूटी की स्मोकी आई शेडो पैलेट, जिसमें कि मेरा बेस्ट आईब्रो कलर है, मैं हमेशा उसका ही यूज़ करती हूँ। तो अपने आईब्रोज़ को बहुत अच्छी तरह से फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना आईब्रो ब्रश। और मैं ब्रशेस का जो यूज़ कर रही हूँ, मेरे ब्रशेस हैं डू यू केयर के, जो कि मैंने अमेजोन से बाय किए हुए हैं, तो आप उसका रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर कंसीलर, जो कि मैं अपने आईज़ पर यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप से पहले, ताकि मेरी जो भी पिगमेंट है सब हाइड हो जाए। तो गाइस, कंसीलर को मैं अपने आईलिड एरिया पे और आईब्रोज के कॉर्नर्स पे अच्छे तरह से ड्रॉ कर दूंगी। और आईब्रो के कॉर्नर्स पे आपका ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे कि आईब्रोज कितने शार्प और कितने क्लीन दिखाई देते हैं। तो गाइस, अब मैं अपने कंसीलर ब्रश के साथ उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को। और आईब्रो एरिया आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर और कितना क्लीन आपको लगता है इसके बाद, इस स्टेप के साथ बाद। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोज एरिया के पास भी मैं अपने कंसीलर का यूज़ कर लूँगी। और गाइस, उसके बाद अब मेरा फेस बेस मेकअप हो गया है कंप्लीट, और मैं अपने आईज़ को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फिर अपने मेबलिन के केक पाउडर का।
और हम केक पाउडर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा आईज़ पे कोई भी क्रीज लाइन्स ना आए और अपना कंसीलर अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो और अच्छी तरह से आपके आई मेकअप में आई कलर्स भी आप अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाए। तो आप देख सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना आई मेकअप के लिए अपनी ब्यूटी ग्लेज की कलर स्टूडियो आई पैलेट का, उसमें से लाइट पिंक शेड लेकर सबसे पहले मैंने अपने आई क्रीज एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ। जिस तरह से गाइस मैं अपने अपना स्टेप वाइज फॉलो कर रही हूँ उसको आप भी मुझे स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, प्रॉमिसली आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सिर्फ लाइट पिंक शेड लेकर अपने आई क्रीज एरिया पर अच्छे तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और मेकअप आई मेकअप का सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप जितनी अच्छी तरह से अपने आई मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना ही आई मेकअप आपका अच्छा होगा। तो ब्लेंडिंग में टाइम लगता है लेकिन आराम से आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही क्लीन और क्लियर आपका मेकअप लगेगा। तो मेरा पिंक कलर हो गया है बहुत अच्छे से ब्लेंड, और इसके बाद मैं अपने आई लिड पर इसी में से एक शिमर कलर लेकर, लाइट पिंक कलर लेकर सिर्फ अपने आई लिड एरिया पे ही अप्लाई कर रही हूँ। बस इतना था मेरा आई मेकअप और आप देखना कि ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तो गाइस आई लिड एरिया पे मैंने अप्लाई कर दिया है अपना लाइट पिंक कलर जो कि थोड़ा शिमरी शेड है, और ये पैलेट गाइस बहुत कमाल की पैलेट है, इसमें ओवरऑल सब तरह के कलर्स हैं। और इस आई पैलेट का अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मी ऑन का पेन आई लाइनर, और इसमें मैंने यूज़ किया है नेवी ब्लू कलर का पेन आई लाइनर। ये बहुत लिक्विडी पेन आई लाइनर है और बहुत ही बढ़िया पेन आई लाइनर है, और ये अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप चाहे तो अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। पेन की हेल्प से मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा विंग ड्रॉ किया अपने आईज़ पर, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा नेवी ब्लू आई लाइनर है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मेरी आईज़ में और कितना मैच कर रहा है मेरी ड्रेस को, और मैंने बहुत एक ब्यूटीफुल सा विंग क्रिएट किया अपनी आईज़ पर। और उसके बाद मैं काजल के लिए अप्लाई कर रही हूँ अपना मेबलिन का आई जेल लाइनर, तो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस इसकी तो मैं क्या बात करूँ, काफ़ी यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि वो इस लाइनर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और बहुत ही जेट ब्लैक कलर का ये आई काजल है। आप इसको आई काजल की तरह, आई लाइनर की तरह आप जिस तरह मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मेबलिन का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। और उसके बाद मैं अपने ब्रश की हेल्प से उसको अपने आई लैश पर अच्छी तरह से लोअर आई लैश पर अच्छी तरह से स्मज कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्मोकी लुक आ जाए। और उसके बाद आईज़ मेकअप तो मेरा हो गया है कम्प्लीट, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी कंटूरिंग के लिए कंटूर पैलेट का, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंटूर किट, और इसमें से मैं अपने कंटूर का यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही हल्का सा कंटूरिंग मैं अपने फेस पर दे रही हूँ कि एक डेप्थ मेरे फेस को मिल जाए बस। तो मैं फॉरहेड पर यूज़ कर रही हूँ अपने कंटूर पैलेट का, और नोज़ एरिया की कंटूरिंग मैं इसके साथ ही करूँगी। और कंटूरिंग के बाद आप मेरे फेस का चेंज देख सकते हो कि एकदम से मेरा फेस कितना शार्प लुक में आ जाता है। तो गाइस ये बहुत कमाल की पैलेट है, आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मेरी ओर से ये हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा फेस एक शार्प लुक में आ गया है सिर्फ कंटूरिंग से। और इसी में से मैं अपना ब्लशर यूज़ कर रही हूँ जो कि लाइट पिंक कलर का ब्लशर, और बहुत कमाल की किट है, मैंने जैसे आपको आगे भी बोला है कि बहुत अच्छी किट है ये, तो मैं इसी में से यूज़ कर रही हूँ अपने ब्लशर का। और उसके साथ मेरा लास्ट एंड फेवरेट स्टेप मेरा हाइलाइटर, और मेरा फेवरेट हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जो कि जिसकी शेड है प्रेशियस पेटल, बहुत बढ़िया हाइलाइटर है, और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लगता है जब ये आप अपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी शिमर नहीं है और बहुत ही सटल सी एक शाइनिंग आपके फेस पे आ जाती है। तो गाइस अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपने वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर का, और उसके बाद मेरा बेस मेकअप हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, और मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप कलर का, लिप कलर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉटस की एक्जॉटिक लिप क्रेयॉन्स का। तो गाइस इसकी शेड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग शेड है ये, एकदम पिंक बोलते हैं ना जिसको, रानी कलर, पिंक रानी कलर, और बहुत ही सॉफ्ट लिप कलर है ये,
तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है पिंक के लिए, मेरी ड्रेस के साथ एकदम ये मैच कर रहा है। और अब इसके पास मेरे इयररिंग्स और उसके बाद मेरा मेकअप कंप्लीट। और कैसी लगी गाइस आपको मेरी ये लुक? अगर आपको मेरी लुक की पसंद आई है तो प्लीज़ उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह के ब्यूटीफुल मेकअप और ईजी मेकअप लेकर मैं आपके पास हमेशा आती रहूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।